नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज बड़ा दिन, 300 सीटों पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ये मेगा कवरेज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी रण को लेकर लगातार जारी रहेगा। पूरे दिन पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज एमपी छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 300 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और आज के चुनाव की मेगा कवरेज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जानकारी यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो रण है आज कुल मिलाकर 300 सीटों पर होना है, जबकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज होगी और अंतिम चरण है आज, क्योंकि 70 सीटों पर मतदान होना है। 70 सीटों पर वोटिंग होगी आज। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बूथ्स को, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताते चले अंशिका कि आज कई बड़े नेताओं की दांव भी साख भी दांव पर लगी हुई है। दांव जो है खेला गया है, जनता अब उस दांव को किस तरह से, किस पासे को कहां पर डालती है ये देखना अहम होगा। दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी हुई है और कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सभी इस वक्त इंतजार में है कि जनता जनार्दन क्या जनादेश देगी, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। छत्तीसगढ़ दूसरे चरण और मध्य प्रदेश एक चरण में सभी सीटों पर अपना जनादेश जारी करेगा। जो दिग्गज इस वक्त मैदान में है, उन दिग्गजों की जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में जहां दूसरे चरण के 70 सीटों के लिए मतदान होना है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 230 सीटें इस वक्त जनादेश का इंतजार कर रही हैं। और अब से कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत होगी। सुबह 7 बजे पहला वोट डाला जाएगा, जबकि करीब 6:30 बजे के आसपास सभी जगह अंशिका मॉक पोल की कार्रवाई शुरू होगी। व्यवस्थाएं यहां पर चाक चौबंद की गई हैं। अलग अलग कैटेगरीज में बूथ को डिवाइड किया गया है, जहां पर सामान्य बूथ, संवेदनशील बूथ और अति संवेदनशील बूथ भी है। जबकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, हमने 20 सीटों पर मतदान 7 तारीख को देखा, काफी अच्छे से वहां पर छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो बहुत अच्छे से मतदान को संपन्न कराया गया था। लेकिन अंशिका, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण जनता के लिहाज से और नेताओं के लिहाज से भी। बिल्कुल, और कुछ जगहों पर 7 बजे से ही वोटिंग शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह कि छत्तीसगढ़ के एक तरफ जहां दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज होनी है 70 सीटों पर, इन 70 सीटों में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगेगी। कई बड़े चेहरे हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत आज दांव पर लगेगी। निश्चित रूप से अंशिका, और ये सारी जो महा कवरेज है, इसे ग्राउंड जीरो से जनता तक पहुंचाने के लिए ये सभी दिग्गज हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। उज्जैन, खंडवा, मुरैना, शिवपुरी, भोपाल, मंडला, बुरहानपुर, जबलपुर, सीहोर और छिंदवाड़ा से। बिल्कुल, और ये वो जगह आपको हम दिखा रहे हैं जहां से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कोरबा से, रायपुर से, धमतरी से, जयपुर से, जशपुर से, माफ कीजिएगा, सूरजपुर से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा रायपुर से जुड़े रहेंगे, रायपुर के अलावा अगर हम बात करें बेमेतरा की, यहां से जुड़े रहेंगे, मुंगेली से जुड़े रहेंगे, कोंडा गांव से जुड़े रहेंगे। ये वो तमाम रिपोर्टर है जो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक के रण की जानकारी ग्राउंड जीरो से देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर अंशिका दर्शकों को बता दें, जहां इंदौर से बड़ी खबर यह आ रही है कि मतदान से पहले बवाल होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल इंदौर में जो बवाल हुआ, राऊ विधानसभा के भवरकुआ क्षेत्र में ये बवाल हुआ मतदान से पहले। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, इस्तेमाल करना पड़ा इसका। जीतू पटवारी और मधु वर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जीत नगर का विवाद पहुंचा थाने तक और इन सब के बीच बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। विवाद का वीडियो भी सामने आया था। दोनों पक्षों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आज चुनाव है, आज वोट डाले जाएंगे। आज 230 विधानसभा की सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं और ऐसे में लोग ना डरे, ना सहम कर रहे, इसीलिए पुलिस पहले ही वहां पर मुस्तैद है, सतर्क है। आंसू गैस के गोले आप देखिए किस तरीके से दागे गए हैं, ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, और इंदौर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मतदान से पहले राऊ विधानसभा क्षेत्र में बवाल हुआ और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। जीतू पटवारी और मधु वर्मा यहां से चुनावी मैदान में। जीत नगर का विवाद ये पहुंच गया थाने तक, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। विवाद के बाद दोनों पक्षों पर FIR पुलिस ने दर्ज की है और अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, जबकि इस पूरे मामले को लेकर डिटेल्स
आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के जो 300 सीटें हैं उस पर मतदान होना है, और मतदान के साथ साथ छोटे मोटे जो इस तरह के बवाल या इस तरह की घटनाएं, पुलिस को इन्हें नियंत्रित करना होगा। बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की। ये देखिए किस तरह से वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बवाल जब शुरू हुआ तो लोगों को तितर बितर करने के लिए अंशिका पुलिस को यहां पर थोड़ा हल्का बल प्रयोग यहां करना पड़ा, जिसमें कि आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, जिससे कि लोगों को यहां से तितर बितर किया जा सके। और इस गैस का इस्तेमाल करके यहां पर लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई, और चूंकि कानून व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फॉलो होता रहे, ये बहुत जरूरी है। और चुनाव से पहले किसी भी तरह की ऐसी अशांति की संभावनाओं को निरस्त करना, ये सुनिश्चित करना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी रही। और इस दौरान थोड़ी सी जरूर गहमा गहमी देखने को मिली, अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए जरूर बना, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मौजूदा स्थिति लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सीटों के लिहाज से भी और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिहाज से भी। तो ये दोनों ही जो पक्ष हैं चुनाव के दौरान, इस पर रहेगी हमारी नजर। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मेगा कवरेज लगातार जारी है, चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर छूटेगी नहीं, आप तक पहुंचेगी जरूर। तो इंदौर से ये तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं, जहां मारपीट का मामला सामने आया। फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है, एफआईआर पुलिस से दर्ज कर लिया। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये पूरा मामला क्या है, आखिर कहां से कहां सुनी शुरू हुई, फिर मारपीट में तब्दील हो गई, और अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो जीत नगर का है, और जीत नगर राऊ विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, जहां से कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और बीजेपी के प्रत्याशी मधु वर्मा आमने सामने यानी चुनावी मैदान में दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, ये जो विवाद है जीत नगर का, जो अभी तक जानकारी सामने आई कि फ्री बीज को लेकर यानी मुफ्त की चीजों को लेकर विवाद शुरू होता है, और वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि मारपीट की स्थिति बन जाती है। मारपीट का जो वीडियो है वो सामने आ चुका है, उसके आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल दोनों पक्षों पर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि बवाल देर रात तक चलता रहा, और बवाल इस तरीके से अनियंत्रित हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने में इकट्ठे हो रहे थे, चौराहे पर खड़े हो गए, रोड पर खड़े हो गए। पुलिस ने उन्हें समझाया, जब वो नहीं हट रहे थे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा। लेकिन यह स्थिति बनी है जीत नगर में, और जिसका नाम आ रहा है वो बीजेपी। अभी क्या हालात है मिथिलेश, अभी क्या हालात है, क्योंकि अब से करीब आधे घंटे बाद मॉक पोल होगा, और उसके बाद फिर पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लोग वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या स्थिति है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अभी सब कुछ स्थिति जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जहां पर विवाद हुआ था वहां पर पुलिस की संख्या ज्यादा लगा दी गई है, यानी जो फोर्स है उसे वहां पर बढ़ा दिया गया है कि वापस से सुबह विवाद न हो, और सभी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दे दिया गया पुलिस की तरफ से कि अगर अब भीड़ इकट्ठी होती, क्योंकि मतदान शुरू होने वाला है, तो बड़ी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कल देर रात तक इंदौर में बवाल चलता रहा। बिल्कुल, लेकिन मिथिलेश एक बात और, यहां पर लोगों में जो संदेश, इस तरह की जब छिटपुट घटनाएं होती हैं तो संदेश जो है वो सही नहीं जाता है। तो हालांकि रात में ये घटना हुई और सुबह पोलिंग की, हालांकि लोगों के रिएक्शन लेने की तो बहुत ज्यादा यहां पर समय नहीं मिल पा रहा होगा। आप रहिएगा मिथिलेश, आपसे डिटेल्स आगे लेते रहेंगे, जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, ये सारी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे, और जनता तक ये खबर भी हम पहुंचाते रहेंगे। और जनता तो तैयार है वोट डालने के लिए, और जनता के ही हाथ में इस वक्त जनादेश का ये सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो अभी है। और चूंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक चरण में 230 सीटें मध्य प्रदेश की और 70 सीटें अंशिका छत्तीसगढ़ की, जहां पर की वोटिंग होनी है। और इससे पहले ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, निश्चित रूप से ये एक चुनौती है, या यूं कहें कि एक परीक्षा होती है प्रशासन के लिए कि वो कैसे ऐसी परिस्थितियों से निपटता है। और अब तक हमने वो देखा भी कि किस तरह से चुनाव आयोग ने पूरे तत्परता के साथ, प्रशासन के साथ मिलजुल कर चुनाव कराए हैं। बिल्कुल आशीष, और ऐसे में देखिए आज कई वो बड़े चेहरे हैं जिनकी हम कह सकते हैं परीक्षा होगी, जिन्होंने एग्जाम के लिए इतना प्रिपरेशन किया, आखिरकार रिजल्ट क्या आएगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन वो केंद्रीय मंत्री जिन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा, उसके बाद कई ऐसे बड़े चेहरे हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी तमाम प्रचार प्रसार में हमें देखने को मिले, लेकिन इसका असर कितना जनता पर होगा ये आज जनता तय करेगी। बिल्कुल, जनता काफी कुछ पक्ष यहां पर देखने के बाद वोट डालने के लिए जाते हैं, और पहले के मुकाबले अब लोग ज्यादा अवेयर हो गए।
गए हैं, उनके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, और इससे वो अपने न सिर्फ कैंडिडेट के बारे में बल्कि अपने क्षेत्र के विकास के बारे में भी जान सकते हैं। जो पारदर्शिता है अंशिका वो बढ़ी है और लोग इस बात को लेकर जागरूक हुए हैं कि उन्हें वोट डालना है। परसेंटेज आप देखिए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें, कुछ आंकड़ों को अगर नजरअंदाज करें तो ज्यादातर क्षेत्रों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। अब इस पर निर्भर नहीं करता कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ जागरूक हुए हैं ये जरूर है। लिटरेसी रेट भी कुछ अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन 2018 के मुकाबले 2023 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए जनता जनादेश किसके पक्ष में देती है ये तो जनता तय करेगी, उनके काम के आधार पर, उनके वादों के आधार पर और उन पर कितना वो भरोसा करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये कि आज लोकतंत्र का जो महापर्व है जिसमें एक सिस्टम से खुद को कनेक्ट हुआ आम एक व्यक्ति मानता है और महसूस करता है। तो आज क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर तमाम जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है वोटिंग के मद्देनजर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है क्योंकि वोटिंग थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी? मतदान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से पहले ही सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई थी। कल शाम तक सभी जो मतदान टीमें हैं, मतदान दल है, वो अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच गई थी और आज सुबह से ही लगभग 6 बजे के बाद से ही जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो भोपाल के विभिन्न जो बूथ है वहां पर शुरू हो गई है और मॉक पोल के लिए जो एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जो लोग निर्धारित किए गए वो भी पहुंच रहे हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, फेयरलेस इलेक्शन हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर बूथ पर जो पुलिस बल है वो भी यहां पर तैनात कर दिया गया है और अब से करीब 40 मिनट बाद जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 7 बजे से वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो जाएगी और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पहुंचने का भी यहां पर सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश का चुनाव कई दिग्गजों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कई सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। चाहे आप नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे तमाम बड़े नाम जो केंद्र में भी अपना खासा दबदबा रखते हैं और वो अब मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो भी अब बूथ पर पहुंचने लगे हैं और तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही है अभी? तो देखिए हालांकि कुछ अधिकारी कह नहीं रहे हैं लेकिन बिल्कुल काफी व्यस्तता होती है। अभी मॉक पोल की प्रक्रिया जैसा कि आपने बताया चल रही है तो एक व्यस्तता होती है और समय इतना है नहीं पहले जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से हो और लोगों को सही समय पर वोट डालने का मौका मिले और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसलिए स्वाभाविक है उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया ना आना। लेकिन हाँ, सिस्टम जब कार्रवाई शुरू होगी तो स्वाभाविक है हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर इस पर रिएक्शन देंगे कि कैसे वो वोट कास्ट करा रहे। वासु आप रहिएगा हमारे साथ, सुशील के पास चलेंगे इस वक्त। सुशील, आज बहुत बड़ा दिन है और दिग्गजों की साख भी दांव पर है। आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां से भी कई दिग्गज आते हैं चुनावी मैदान में, लेकिन आज जो सबसे बड़े दिग्गज हैं वो है हमारी जनता जनार्दन। क्या कहते हैं सर, कहां पर क्या तैयारी है, अभी क्या इस बारे में डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी अगर कहें तो ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस वक्त हम ग्वालियर के लक्ष्मीबाई कॉलोनी में मिसेल स्कूल का जो मॉडल मतदान केंद्र है वहां खड़े हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर जिले में 6 विधानसभा सीट पर 90 प्रत्याशियों का भाग्य जो है उस पर आज बटन दबाया जाएगा। ये आदर्श मतदान केंद्र, आपको बता दें कि ग्वालियर में करीब 1662 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें करीब 90 आदर्श मतदान केंद्र और 81 मतदान केंद्र दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जिले में कुल 16,24,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या अगर देखें तो 274 है जहां पर बीएसएफ के 5-5 जवान तैनात है और यही वजह है कि यहां जो ग्वालियर चंबल अंचल है उसमें इस चुनाव में जो मतदाता है वो कई दिग्गजों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। अगर कहें तो सबसे बड़े जो चेहरे हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इनके अलावा मध्य प्रदेश के मंत्री चाहे नरोत्तम मिश्रा हो या महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, इसके अलावा सुरेश राठखेड़ा, ब्रजेंद्र सिंह यादव, तमाम वो मंत्री हैं जिनके भाग्य का फैसला आज होगा। कुल 34 सीटें हैं। सुबह से ही यहां मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। 7 बजे के करीब मतदान शुरू होगा। आदर्श मतदान केंद्रों पर आप देख सकते हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद है।
यहाँ मतदाताओं को अच्छा एहसास हो, इसके तमाम संसाधन जुटाए गए हैं, सारे साजो सामान यहाँ तैयार किए गए हैं और अधिकारियों की टीम भी पूरी तरह से तैयार है। करीब 8000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इस चुनाव को कराने के लिए तैनात है, 4000 से ज्यादा पुलिस का बल लगा हुआ है। इसके अलावा बीएसएफ सहित अन्य जो मिलिट्री फोर्सेज है उनकी 21 कंपनियां तैनात है। तो कुल मिला के जो मतदान की प्रक्रिया है वो 7 बजे से शुरू होगी, उसके पहले अभी मॉक पोल वगैरह हो चुका है। ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं उस वक्त जब लोग अभी घर से बाहर निकलने ही वाले हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं जो आप दिखा रहे थे दर्शकों को। मिथिलेश, आप किस केंद्र पर खड़े हैं और यहाँ मतदान केंद्र में क्या व्यवस्था आम लोगों के लिए? देखिए, अगर इंदौर की बात करते हैं तो इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बाल विनय मंदिर है, एक सरकारी स्कूल है, वहां पर मैं मौजूद हूं। और सबसे पहले वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं कि इस वक्त जो सुबह का समय है वो मॉक पोल का है, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं कि सारी तैयारियां चल रही, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होना है और सुबह यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो पहुंच चुके हैं और ईवीएम से लेकर तमाम जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें जांची परखी जा रही हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगा। मशीन को वेरीफाई किया गया, मशीन को चेक किया गया, के बाद से यहां जो अधिकारी थे उन्होंने इस पर सिग्नेचर किया, यानी ये था कि मशीन अब सुबह जांच हो चुकी है, अब मतदान के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा इसी में जो दूसरा कक्ष है वहां पर ईवीएम में कुछ तकनीकी खराबी आई, तत्काल उसे चेंज भी कर दिया गया, यानी बदल दिया गया। और मॉक पोल होता है इसीलिए कि अगर मतदान के पहले अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उसे तत्काल दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि 7 बजे से मतदान का समय है और 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इंदौर की। अब इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में है। सबसे बड़ा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, विधानसभा 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। और मालवा निमार क्यों खास हो जाता है, क्योंकि मालवा निमार की 66 सीट सत्ता के लिए कारगर मानी जाती है। यह कहा जाता है कि जिसने मालवा निमार की सीटें जीत ली, यानी जिसने बढ़त ज्यादा बना लिया, वो सत्ता बनाने में कारगर हो पाता है, यानी सत्ता की जो रास्ता है या सत्ता की जो चाबी है वो मालवा निमार के रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए इन 66 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का शुरू से फोकस रहा। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो बड़े दिक्कत है बीजेपी के, सबकी जो सभाएं हैं ज्यादातर मालवा निमाड़ में हुई। और आखिरी 14 तारीख की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा शो भी हुआ था, एक बड़ा रोड शो हुआ था मालवा से, और कहां से, बीजेपी का, जिसे गढ़ माना जाता है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी के गढ़ से लेकर निमाड़ तक कई सारी चुनावी सभाएं इस बार देखने को मिली है। अब देखिए, सब कुछ चुनाव प्रचार सब थम चुका है और आज की अगर कोई दिग्गज है तो है जनता। अब आज जो दिग्गज है वो मैदान में, और आज उनकी असली दिग्गज, बिल्कुल आपने सही कहा कि असली आज का दिन सिर्फ जनता जनार्दन है और हमेशा रहती है। लोकतंत्र में जनता ही उसके अपने जनादेश के आधार पर निश्चित रूप से उन्हें लोगों को भी काम करके दिखाना पड़ता है, और वो लोगों का प्यार है कि वो नेताओं को बड़ा बना देते हैं। जबलपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। जबलपुर में क्या व्यवस्थाएं हैं, आप किस बूथ पर मौजूद हैं, क्या डिटेल्स हैं अपने पास? जी आशीष, मैं जबलपुर में इस समय जो है MLB स्कूल के पास बनाए गए बूथ पर हूं, जो पिंक बूथ है, और यहां तमाम अधिकारी और कर्मचारी जो है उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस मतदान केंद्र को पूरी तरह से सजाया गया है, रंग रोगन के साथ साथ यहां पर रंगोली भी बनाई गई है। मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो एंट्रेंस पर बेहद खूबसूरत एक लुक देने की कोशिश की गई है, तो ये मतदान केंद्र की जो है आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। मॉक पोल की प्रक्रिया हो चुकी है और जबलपुर में 83 प्रत्याशी हैं, यानी 8 विधानसभा क्षेत्र में 83 प्रत्याशी हैं, जिनके भाग्य का फैसला 18,71,320 मतदाता आज करेंगे। जबलपुर में 504 संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, जहां पर CISF, पैरामिलिट्री फोर्स, जबलपुर पुलिस और इसके साथ में अन्य 17 सुरक्षा एजेंसियां की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, जो पूरे दिन भर यानी सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक पोलिंग बूथ में तैनात रहेंगी। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह है, यानी पूरी सुरक्षा के इंतजाम है। पोलिंग बूथ पर तमाम अधिकारी कर्मचारी, बिल्कुल पवन, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। और आप दिखा भी रहे हैं मतदान केंद्र जहां पर वोटर्स जाएंगे वोट डालेंगे। वासु हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, इस बार तो बहुत से ऐसे युवा वोटर्स भी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से उनकी साझेदारी और उनकी वो हिस्सा लेंगे। क्या युवाओं को लुभाने के लिए कोई सेल्फी जोन बनाया गया है मतदान केंद्रों पर या फिर अन्य लोगों के लिए, क्योंकि न्यूज 18 की ये बड़ी मुहिम है, जो भी वोट डाल रहा है उनसे यही अपील है कि अपनी सेल्फी वोट करने के बाद जरूर भेजें और न्यूज 18 से जुड़े। तो क्या वहां पर भी वासु, अब जहां खड़े, कोई सेल्फी जोन, ऐसी कुछ चीजें?
बिल्कुल देखिए, जो आइडियल बूथ बनाए गए हैं वहां पर सेल्फी जोन से लेकर तमाम आकर्षक साज सज्जा की गई है। और निश्चित ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 22 लाख युवा वोटर्स हैं जो इस बार मतदान करेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, और यही वो वोटर्स हैं जिन्हें भाग्य विधाता कहा जा रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रल वोटर्स माने जा रहे हैं। ये किसी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक नहीं है, ये पढ़े लिखे युवा हैं, ये अपनी सोच समझदारी के साथ सोच समझ से जो है ये मतदान करेंगे। और ये लोग जब मतदान करने पहुंचेंगे तो इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं जो है वो निश्चित तौर पर बूथ पर नजर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का और इलेक्शन कमीशन का ये प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है वो वोट करें। और फर्स्ट टाइम वोटर्स जब पहुंचते हैं तो उनके मन में खुद ये उत्साह रहता है कि हम वोटिंग करने आए, हम पोलिंग में शामिल हुए हैं, तो वो सेल्फीज लेते हैं, अपने सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करते हैं, रील्स के तौर पे वो उसको अपलोड करते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतंत्र का ये महापर्व है, लोकतंत्र का ये उत्सव है, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, तो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। न्यूज 18 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़, जो प्रदेश का सबसे भरोसेमंद।